देखो बेटा, SHM का ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। एक स्प्रिंग है, स्क्रैच होती है 5 सेंटीमीटर। जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, यानी आपने स्प्रिंग ले ली, इस पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? फोर्स अगर 10 का है तो इस डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर का हुआ। इससे आप K निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं F=2kx। 10 न्यूटन के निकालना है, 5 सेंटीमीटर था। जल्दी हम बच्चे इसको मीटर नहीं बदल पाते हैं, तो 10^-2 मीटर डिवाइड कर दीजिए 2। जब इधर ले जाएंगे तो इतना तो जानते ही हैं, पावर बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक बार करके भी दिखा दें भाई आपको, पावर 2 यानी 200 न्यूटन प्रति मीटर। अब आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था टाइम पीरियड। आप जानते हैं बेटा, टाइम पीरियड जब इसको आप सस्पेंड कर देते हैं 2 kg से, टाइम पीरियड बराबर होता 2π√m/k के। m आपको मिल ही गया है, k आपने निकाल लिया है, रख दीजिए 2π m आपका 2 kg का, ये 200 का कट गया, 100 हो गया, यानी 2π/√100। और √100 कितना हो गया? 10 हो गया। एम ए राइट? बस आप 2 से π का गुणा कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप जानते हैं 6.28/10। फिर कर दीजिए तो 0.628 सेकेंड आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। कोई है? यस, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन।